चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। होली के मौके पर भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर बिहार झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया और फिल्म रिलीज होते ही भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया। जी हां, पहले दिन फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला और होली के एक दिन के बाद यानी कि दूसरे दिन भी फिल्म क्रैक फाइटर को बम्पर ओपनिंग दर्ज किया गया। ऐसे में सभी भोजपुरी दर्शक यह जानना चाहते होंगे कि फिल्म ने पहले दूसरे दिन के साथ साथ फिल्म ने तीसरे दिन का कलेक्शन क्या किया होगा। हालांकि आपको बता दें कि क्रैक फाइटर के फिल्म के प्रोड्यूसर या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेटा शेयर नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से खबर माने तो जिस तरीके से सिनेमा घरों में हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ तीसरा दिन भी दिखाई दिया, उससे अंदाजन यह लगाया गया है कि फिल्म ने तीसरे दिन भी करीब 10 से 15 लाख रुपए का बिजनेस किया है और टोटल तीन दिन में करीब 35 से 40 लाख रुपए का कारोबार कर चुका है। हालांकि आपको बता दें कि यह कलेक्शन ऑफिशियली नहीं है। वैसे आपको बता दें कि क्रैक फाइटर में सुपरस्टार पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ पहली बार बॉलीवुड विलन प्रदीप रावत पवन सिंह के साथ किसी भोजपुरी फिल्म में नजर आते हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है। खास करके प्रदीप रावत के साथ दमदार फाइट सीन और दमदार डायलॉग सीन के साथ दर्शक जमकर सीटी बजाते हुए सिनेमा घरों में नजर आते हैं और करीब तीन साल के बाद पवन सिंह लुलिया गर्ल निधि झा के साथ जोरदार आइटम तड़का करते हुए नजर आते हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक क्रैक फाइटर नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि वाकई में ही फिल्म देखने लायक बनी है।